सेक्शन 375 जो इसको डायरेक्ट किया है कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक ने, और जो इसमें कास्ट है ऋचा चड्ढा है, अक्षय खन्ना है, जिनकी एक्टिंग की बात मैं बाद में बात करूंगा। पहले जो इस सेक्शन 375 की जो मूवी की कहानी है उसकी हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए जैसे मूवी स्टार्ट होती है तो मूवी स्टार्ट होते ही आपको एक छोटी सी झलक स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कि केस किसके फेवर में जाने वाला है। ये सेक्शन 375 जो है वो एक रेप के ऊपर बेस्ड एक कहानी है। कैसे एक लड़की यूज़ करती है अपने जो फेवर में, एक यानी कानून का अपने फेवर में यूज़ कर लेती है, ऐसे कानून जो उसको प्रोटेक्शन करने, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए हुए होते हैं, ये कहानी इसको भी बतलाती है। जो इस मूवी की जो एंडिंग है वो आपको सोचने पे मजबूर भी कर देगी कि यार क्या ये एंडिंग होनी चाहिए थी। अगर आप सोचते कि ये वाली एंडिंग ना होती, ये दूसरी एंडिंग होती, तो वो भी आपको जस्टिफाई नहीं होती। यही इस मूवी की खूबसूरती है। और ये मूवी कहीं ना कहीं उनको भी प्रेरित करेगी, उन महिलाओं को भी जो पुरुषों को सिर्फ और सिर्फ अपने इस कानून का दुरुपयोग करके उन पुरुषों को अपने स्वार्थ के लिए फंसा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मूवी उनको भी प्रेरित करने वाली, उन महिलाओं को। और ये मूवी पुरुषों के मन में डर भी थोड़ा बहुत शायद कर पाए कि यार अगर तुम, मतलब कि आप जब ये मूवी देखोगे ना खुद समझ जाओगे कि मूवी क्या बतलाना चाहती है, कैसे एक जो कानून बनाया गया है महिलाओं के लिए उनको सुरक्षित करने के लिए, महिलाएं उसी कानून का कैसे यूज़ करती हैं अपने स्वार्थ के लिए, ये मूवी ये भी बतला रही है इसके अंदर। लेकिन इसकी जो एंडिंग है वो आप उसको नकार भी नहीं पाओ, मतलब ये एकदम ब्रिलियंट पीस है कोर्ट रूम ड्रामा में जो आज तक जो मूवी हुई है उनके ऊपर। अब कैसे एक छोटे छोटे फैक्ट किसी केस के फेवर को बदल देते हैं। एक लड़की की गवाही, ये जो रेप होता है इसके अंदर जो लड़की की गवाही होती है यही सबसे बड़ी टेस्टिमनी होती है, यानी इसी के बेस के ऊपर जो एक्यूज होता है उसको सजा दी जाती है। अब कैसे एक लड़की की गवाही, उसकी हाँ, एक छोटी सी हाँ और एक छोटी सी ना में ही कैसे केस को वो अलग, मतलब पलट देती है। अब इस केस में जब लास्ट एंडिंग होता है तो जो जज होते हैं, इसमें दो जज होते हैं, एक फीमेल करेक्टर और एक मेल करेक्टर, ये दोनों एक बात बोलते हैं कि प्रोसिक्यूटर और डिफेंस दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। आप इस चीज़ को समझना कि दोनों प्रोसिक्यूटर और डिफेंस दोनों जब अपनी अपनी जगह पे सही हैं, यानी दोनों का बैलेंस इक्वल है, तो वो कैसे केस का फैसला करते हैं, कैसे वो बताते हैं कि यहाँ पे अब ये वाली बात सही है, या फिर वो लोग को किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब इस मूवी में एक बात ये भी बतानी चाहिए कि भाई ये कानून जो होता है वो अंधा ही होता है। इसकी शुरुआत करते हैं, जैसे मूवी जब स्टार्टिंग होती है उसके अंदर एक केस की बात होती है, निर्भया केस, जिसके अंदर एक जोवेनी, एक बच्चे को सजा होती है। बच्चा तो क्या कहें, वो 3 से 4 महीने ही कम होता है 18 साल से, लेकिन जो लॉ होता है उसकी नज़र में वो बच्चा होता है। उसको जोवेनियल कोर्ट भेज दिया जाता है, और कैसे वो एक छोटी सी टर्म यानी एक छोटी सी सजा पाकर बाहर आजाद घूम रहा होता है। अब ये जो सबसे ज्यादा घटिया काम जो है वो इस जमीनियल इसने ही किया होता है, जो ये लड़का निकल बच जाता है इसी ने ही किया जाता है, जो यही जो होता है जिसने सीरियस इंजरीज दी होती है जिसके कारण वो डेथ होती है। लेकिन फिर भी कैसे कानून जो ला है उसको ये 18 साल का नहीं होता, इसको जोवेनियल में भेजे सिर्फ 3 से 4 महीने। ये बताता है कि कैसे कानून एक अंधा ही तो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लॉ और एक फैक्ट के ऊपर काम करता है। यही वो कहानी, यही वो मूवी बताने की कोशिश कर रही है। मूवी बहुत ब्रिलियंट है, आपको कहीं पर भी ये बोर नहीं करने वाली है। 2 घंटे 30 मिनट की मूवी, यानी इतनी लंबी मूवी है, इसके अंदर कोई गाना नहीं है। आप सोचो कि इसके अंदर कोई मसाला, कोई गाना नहीं है, ना ही इसके कोर्ट रूम के अंदर कोई चीखना चिल्लाना है कि जज साहब तारीख पे तारीख, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल, अक्षय खन्ना की जो एक्टिंग है इसके अंदर बहुत ब्रिलियंट है, मतलब मक्खन मलाई की तरह एकदम एक्टिंग की है उन्होंने। जो उन्होंने पेश किया है अपने एक लॉयर के रूप में, इसमें जो ये लॉयर हैं बहुत अमीर दिखाए गए हैं, बहुत ब्रिलियंट है, इनके पास फैक्ट बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और वाकई में ये एक एक चीज़ को कैसे पकड़ते हैं कि भाई
तुमने वो चीज क्यों की, पुलिस ने ये अपना एविडेंस फॉरेंसिक रिपोर्ट में भेजने में 5 दिन डिले क्यों कर दिया, सारी चीज को वो एक एक चीज को बड़े ही नजरिए से पकड़ते हैं कि भी उसने, उस लड़की ने आते वक्त, नीचे आते वक्त लिफ्ट का यूज नहीं किया, बजाय उसने यूज किया स्टेयर्स का, यानी वो सीढ़ियों से नीचे क्यों आई, हर एक चीज के। और जबकि वो लड़की बोलती है कि मैं आई लिफ्ट से, यानी ये एक जो चीज़ है, ये एक झूठ है, वो कैसे बदल देती है इस केस के ही पॉइंट ऑफ व्यू को। दूसरी वो चीज़ कि लड़की कहती है कि मेरे जो मुंह पे निशान है वो इस रेपिस्ट ने मुझे दिए हैं, यानी जो एक्यूज्ड है उसने मुझे दिए हैं, जबकि वो अक्षय खन्ना बताता है कि वो जो निशान है वो उसके भाई ने ही मारे हैं, कि इसमें इस लड़की भी गलती थी इसलिए उसने उस पर हाथ उठाया, उसको मारा। लेकिन ये जो झूठ है वो उसके ऊपर वो फिजिकल असोल्ट का केस भी डालती है। जब आप मूवी देखने जाओगे, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंडेड करता हूँ कि आप मूवी देखो, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई हाँ ऐसा होता है, ऐसे जो सेक्शन हैं जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं वो कैसे उनका इस्तेमाल कर सकती हैं और कैसे किसी को फंसा भी सकती हैं इस चीज़ के ऊपर। अब जैसे अक्षय खन्ना इसमें कहते हैं कि जो इसमें जो रोहित खुराना होता है, ये जो अक्यूज्ड होता है जिसने रेप किया होता है, कहते हैं कि इसने रेप नहीं किया, लेकिन जो इसने किया वो रेप से कम भी नहीं है। ये एक लाइन जो उन्होंने बोली, इस लाइन में जो एक डायलॉग था वो ब्रिलियंट था, आप उसको नकार नहीं सकते। आप ये कह नहीं सकते कि यार इसने ये जो किया वो गलत नहीं किया, इसने बहुत ज़्यादा गलत किया, अपने जो ओहदे का है वो उसका गलत यूज़ किया, एक लड़की को मतलब वो फंसाया। लास्ट में जो ऋचा चड्ढा एक डायलॉग बोलती हैं वो भी ब्रिलियंट है। तो इसमें दो जज हैं, एक मेल करेक्टर और फीमेल करेक्टर। जो मेल करेक्टर है वो टेंस दिखते हैं, दोनों ही जो है उनकी टेंशन बढ़ी हुई दिखती है कि भाई अब क्या फैसला लें, क्या बताएं कि अगर वो किस, क्या वो फैसला लें कि वो लड़के के फेवर में फैसला लें या लड़की के फेवर में फैसला लें, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है। जो प्रोसिक्यूटर बताता है वो भी सही है, और डिफेंस उनको डिफेंस करने के लिए बता रहा होता है वो भी सही है। अब इसके ऊपर वो क्या फैसला ले, जो अब वो फैसला लेते हैं वो आपको पच भी नहीं पाएगा कि हाँ यार ये फैसला क्यों ले लिया। लेकिन अगर वो दूसरा फैसला लेते तो भी वो आपको पच नहीं पाता, इसलिए वो सीधे फैक्ट के ऊपर जाते हैं। वो यूज़ करते हैं सेक्शन 3675 का। इसमें जो बातें हैं कि भाई अब महिला की जो कंसेंट होनी चाहिए फिजिकल रिलेशनशिप में, अगर वो नहीं है तो वो रेप है, अगर वो है तो वो रेप नहीं है, इस चीज़ का वो सेक्शन 375 को यूज़ करते हैं और वो फिर अपना फैसला देते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ये जो मूवी की जो एंडिंग है वो आपको कहीं मतलब निराश भी करेगी, लेकिन आप ये डिनाई भी नहीं कर सकते कि ये एंडिंग नहीं होनी चाहिए थी, दूसरी एंडिंग होती तब भी वो आप कहते कि ये भी मुझे निराश करती। लास्ट में जो एंडिंग है वो मूवी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी हमारा कानून कैसा है, हमारे कानून की वो सच्चाई बताती है। और आज तक की मैंने जितनी भी कोर्ट रूम ड्रामा की जो मूवी देखी है उसके अंदर ये ब्रिलियंट है। इसके अंदर कोई चिल्लाना नहीं था, इसके अंदर फैक्ट को बड़ी ही शांति से रखना, एक दूसरे की जो वकील हैं वो जो लॉयर हैं वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, वो किसी को बीच में ऐसे काटते नहीं है, मतलब वो बड़े ही चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करते हैं, बड़े ही आराम से बात करते हैं, अपने फैक्ट को सामने रखते हैं, अपनी सारी चीज़ों को वो सामने रखते हैं, और कैसे वो जज उनकी बातों को सुनते हैं, हर एक पॉइंट को, हर एक एक बारीकी चीज़ को वो सुनते हैं, और कैसे वो डिफेंस उसको बचाने की कोशिश करता है, वो भी हर एक छोटी छोटी चीज़ को वो लेके आता है। तो स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड करूँगा कि मूवी आप ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस मूवी में। अब जो बाद में एक्टिंग की बात करें तो ऋचा चड्ढा की जो एक्टिंग है वो थोड़ी कहीं ना कहीं आपको कम लगेगी एज़ कम्पेयर टू अक्षय खन्ना में, क्योंकि अक्षय खन्ना ने बहुत ब्रिलियंट एक्टिंग इसके अंदर की है। मूवी को अगर मैं स्टार देने की बात करूँ तो मैं मूवी को स्टार बहुत कम देता हूँ, तो इस मूवी को फिर से अगर स्टार देने की बात करूँ तो मैं इसको देना चाहूँगा 9 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो आप अपने जो विचार हैं वो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अंदर लिखकर। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये नहीं है कि ये मूवी मेरे कहने के ऊपर आप ये जाके देखो, मैं सिर्फ ये आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि मूवी के अंदर जो कानून है वो आपको बताया जा रहा है कि कैसा हमारा देश का कानून है, कैसे वो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है और कैसे महिलाएं उसका दुरुपयोग भी कर सकती हैं। और ये अकेला ऐसा केस नहीं है कि जिसके अंदर महिलाएं उसका दुरुपयोग करती हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि महिलाओं ने बहुत दुरुपयोग भी किया है कानून का। अब यहाँ ये नहीं है कि मैं बचा रहा हूँ पुरुषों को
कि वो पुरुष हमेशा ही निर्दोष नहीं, पुरुष निर्दोष नहीं होते हैं। मैं बस ये मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, और इस मूवी के अंदर कैसे बताया गया है कि जो भारत है वो कैपिटल है रेप की, लेकिन दूसरे ही तरफ डिफेंस बताया जाता है कि 1.38% है 1,00,000 महिलाओं में जिनका रेप होता है। लेकिन जब अगर बात करें आप डेवलप्ड कंट्री की, अमेरिका की, यूके की, वहाँ पर ये आंकड़ा 15 से 20 गुना ज़्यादा है हमारे देश से। तो कैसे इस देश को वैसे बदनाम करने की कोशिश कर दी जाती है कि महिला जो है यहाँ पर सुरक्षित है, लेकिन जब अगर कंपेयर करें भारत देश के जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी, वहां पे तो और ज्यादा ही वो असुरक्षित है। ये जो फैक्ट है वो इस मूवी के अंदर भी बताए गए हैं, जो अच्छा लगा ये जानने के ऊपर कि केवल हम यही बात करते हैं, ये वाले फैक्ट की बात करते हैं, किसी दूसरे फैक्ट की हम आज तक कभी हमने बात भी नहीं की होती। तो ये मूवी भी इन चीजों को बताती है। आप जरूर जाके मूवी देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इस धारणा को लेके जाइए, आपको जानने के, आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए आप ये मूवी देखने जा सकते हैं। बस इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।